तेज जी, आप सबसे पहले एक चीज जानना चाहेंगे कि किसान इतने दिनों से बैठे हुए हैं, क्या लगता है आपको कि क्या इसका हल निकलना चाहिए, या सरकार की जिस तरह से चल रही मनसा, ऐसे में आप क्या कहेंगे? किसान को लेकर के कई एक दिनों से नहीं, कई एक सालों से किसान जो हमारा है वो भुखमरी के कगार पर, और कितने किसानों ने जंतर मंतर पर फांसी लगाने का भी काम किया, लेकिन सरकार पूरे तरीके से डेड हो चुकी है, सरकार पूरे तरीके से सो चुकी है, कोई भी हलचल नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, और जब तक ये सरकार नहीं जाएगी तब तक देश दुनिया का और खासकर किसान भाइयों का भला नहीं हो सकता। अच्छा, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा, क्या लग रहा है, क्या बीजेपी और जेडीयू को चलना है, क्या लग रहा है आने वाले? देखिए, जेडीयू बीजेपी पूरे तरीके से खत्म हो गया है, आपस में लड़ रहे हैं लोग, रोज ना रोज दिन आप देखने का काम कर रहे होंगे जिस तरीके से हो रहा है, और पूरा बिहार का जनता जो हम लोगों को मैंडेट देने का जो काम किया है, पूरा बिहार का जनता अब अपनी सरकार आने वाली है। अच्छा, हलचल से पूरा पता चल गया है सबको कि किसकी सरकार आने वाली है। क्या जेडीयू साहब की बातचीत चली, आने वाले समय में दिखा जा सकता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? एकदम बनेंगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे एकदम। क्या कुछ उसका डेडलाइन भी तय हो चुका है, आप लोग के अंदर से कुछ बातचीत भी तय हो चुकी है, क्या यही कारण भी? वो पार्टी की गतिविधियां वो अभी आपको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, लेकिन समय आने पर आप लोगों को पता चल जाएगा सब लोगों को। अच्छा, वैक्सीन क्या, अखिलेश यादव जी का बयान आपने सुना होगा, वैक्सीन क्या अगर ये होता है तो लगवाना चाहिए कि नहीं, जो बीजेपी के कारण वैक्सीन है? वैक्सीन आप लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लगाइए, प्रेस के मीडिया के लोग लगाएंगे तो हम लोग भी लगवाएंगे, जरूरत पड़ेगी लगाइए, कोरोना हो रहा है, आप पहले आप लोग है ना, पर जनता आ गया है, नहीं आपको जरूरत या कोई भी है तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में, जनता से क्या कहेंगे? मोदी जी लगवाए वैक्सीन पहले, आप लोग योगी जी लगवाए वैक्सीन, आप अपील करेंगे जनता से कि वैक्सीन लगवाना चाहिए? नहीं, पहले वो जो मुखिया जो लोग हैं, जो दादा लोग बैठे हैं कुर्सी पे, पहले वो लोग लगवावे वैक्सीन, केंद्र सरकार में जो नरेंद्र मोदी जी हैं वैक्सीन लगाएं, लगाएंगे वैक्सीन पश्चिम बंगाल में, आप लगाइए वैक्सीन, बिल्कुल अगर भाई हमें जरूरत होगी तो हम लगाएंगे, जरूरत है लगाइए, लगाएंगे। पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति जो आप देख रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल में आपको क्या लग रहा है? क्या पश्चिम बंगाल में ममता दीदी से और जो बीजेपी का जो नूरा कुश्ती चल रहा है, आने वाले समय में आप क्या देखते हैं भविष्य को? इन लोगों ने जो समाजवादी जो विचारधारा के जो लोग हैं पूरे तरीके से अंधकार में लोगों को डालने का काम किया, और पूरे जगह देख लीजिए इन लोगों ने अपना अपना चीटिंग करने का काम, बिहार में भी जो हमारे जीते हुए कैंडिडेट थे उनको जबरदस्ती हराने का इन लोगों ने काम किया, हमारे पार्टी के विधायक लोगों को भी, और सब जगह से वो लोग पड़े हुए हैं, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, उन लोगों के पास एक ही मुद्दा है, लालू एंड फैमिली। बिहार में क्या हो रहा है, अपराध हो रहा है, हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, सब जगह का एक ही लोका है, लेकिन इन लोग पूरे तरीके से डेड हो गया है, इन लोगों के पास कुछ है नहीं, बस अनाप शनाप काम इन लोगों का करना है।